वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज यूपी के प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का झंडा फहराया। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जिलों में सप्ताह भर चलने वाले पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम आदित्यनाथ योगी ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर प्रदेश कार्यालय में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इसके बाद प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी का संबोधन सुना। पीएम के संबोधन के प्रसारण की खास व्यवस्था की गई थी, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने ट्वीट कर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ने भी कहा कि पार्टी जन जन को लेकर आगे बढ़ रही है। यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ। पार्टी हमारी माँ है और माँ के कारण से ही हम सब आज यहाँ तक पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ है। यूपी में अब हथकरघा उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए कई बड़ी सुविधाओं का ऐलान किया गया। यूपी में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को हाईटेक हथकरघा और पावरलूम अनुदान पर मिलेगा। साथ ही इस उद्योग से युवाओं को जोड़ने के लिए रोजगार के और अवसर बढ़ाए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने इससे संबंधित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हथकरघा बुनकरों को 50,000 में से 40,000 रुपए के दो फ्रेम लूम या पिट लूम जैकार्ड के साथ ही नई पावर लूम के लिए अनुमानित मूल्य 2.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। 500 वर्ग फीट जगह देता है दो नवीन पावर लूम लगाने के लिए तो उसको 1,50,000 रुपए की अनुदान सरकार देगी। 18 साल की उम्र से के ऊपर से लोग इसका लाभ पूरे प्रदेश में बुनकर लोग ले लेंगे। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने राज्य में प्लांट टाउनशिप विकसित करने की नई योजना पर मोहर लगाई है। इसके तहत अथॉरिटी अब 25 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित कर सकेगा। इस योजना से शहरीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यूपी कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि निजी क्षेत्र में अब अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं देने पर नियोक्ता को जेल नहीं होगी। सरकार के मुताबिक इससे यूपी में निवेश के लिए उद्यमी आकर्षित होंगे। सीएम योगी ने आज राज्य की जनता को करीब 9,500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। नगर निकाय चुनाव से पहले इसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। सीएम योगी ने आज नगर विकास विभाग की 8,730 करोड़ की 2039 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 34 जिलों में अमृत योजना के तहत पेयजल और सीवरेज की कई परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की बीजेपी सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। नगरीय विकास निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यूपी विकास की तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। केंद्र सरकार ने पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई योजना बनाई और यूपी सरकार उनके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई योजना बनाई और स्ट्रीट वेंडर का व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन, उन्हें बैंक के साथ जोड़ना। स्ट्रीट वेंडर को अब तक 2,04,565 करोड़ रुपए की राशि वितरण करने का कार्य भी इसमें हुआ है।